आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न कह रहा है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। तो पहले प्रश्न को हल करेंगे, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता क्या है। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश किरणें एक साथ चलती हैं, तो एक ही और एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हो, तो क्या होता है, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, परिणामी तीव्रता उन तरंगों के लिए अलग अलग होती है। किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी, किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इस भिन्न भिन्न अलग अलग तीव्रताओं के योग से हम क्या कह सकते हैं कि भिन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हों, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। और इस घटना क्या कहेंगे, इस घटना को ही हम बोलेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। और जिन बिंदुओं पर क्या होगा, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, उसे हम लोग बोलेंगे अधिकतम, जो अधिकतम तीव्रता होगी, अधिकतम तीव्रता, उसको हम लोग बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और जिस पर जो तीव्रता है बिल्कुल शून्य होगी, या कह सकते हैं बिल्कुल निम्नतम होगी, तो निम्नतम तीव्रता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो अब ये तो हमने देखा क्या, व्यतिकरण की परिभाषा देखी। अब अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि यंग द्विस्लिट का प्रयोग क्या है, ठीक है। तो अगर हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग की बात करें तो देखिए, यह है कोई एक पर्दा है, ठीक है, जिसमें क्या है, दो रेखा छिद्र है, ठीक है। हम कह सकते हैं द्विक रेखा चित्र का एक हम लोग पर्दा लेते हैं, जिसमें क्या करें, लेजर लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। कौन सा लाइट डाल रहे हैं, लेजर प्रकाश डाल रहे हैं, और ये है द्विक रेखा छिद्र वाला पर्दा, ठीक है। और जो ये है, ये हम लोग जिस हम लोग पर्दे पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, जिस पर्दे पे हमें जो है पैटर्न मिल रहे होंगे, जिस पर्दे पे हमें क्या मिल रही होंगी, फ्रिंजे मिल रही होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, एक स्रोत प्रकाश होगा, प्रकाश स्रोत होगा, जिसपे क्या होगा कि प्रकाश आ रहा होगा, लेजर प्रकाश आ रहा है। और जैसे ही लेजर प्रकाश का क्या होता है, इन दोनों छिद्रों से गुजरता है, तो क्या होता है, उससे तरंगिकाएं बनना शुरू हो जाती है। और जो ये है हमारे रेखा चित्र, क्या कर रहे होंगे, ये प्राथमिक तरंगिकाओं को किस बना रहे हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं से बना दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे तरंगाग्र क्या होगा, इससे उनसे हुए गुजरेगा, तो हर एक बिंदु पर क्या होगा, एक नया तरंगिक जो है तरंगिका शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर वही बताया था, अगर हम यंग के प्रयोग की बात करें, तो यंग ने यही बताया था कि अगर हम किसी भी एक तरंगिका को लेते हैं, तो जहाँ जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, तो क्या करेगा, जिन जिन बिंदुओं पर वो क्या करेगा, जिन माध्यम जिन जिन बिंदुओं से टकराएगा, क्या होगा, हर एक बिंदु पर क्या होगा, एक नई तरंगिका शुरू हो जाएगी। और वो जो पुराना जिस स्रोत से वो क्या हो रहा है, जो स्रोत से हमारी तरंगिका आ रही थी, वो स्रोत अब क्या बन जाएगा, द्वितीय तरंगिका स्रोत बन जाएगा। और हर एक तरंगिका स्रोत क्या कर रहा होगा, हर एक तरंगिका स्रोत दूसरे तरंगिका के लिए स्रोत बन रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कुछ ये स्रोत, ये तरंगिकाएं क्या मिल रही हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि देख कुछ हमें जो हमें बनाया हुआ है, हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, वो विच्छिन्न चाप खींचे गए हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ जो है ये चाप हैं, तो ये है एक तरंगिका दूसरी एक तरंगिका का जो श्रृंग है, हम कह सकते हैं जो उपरा भाग श्रृंग, दूसरी के श्रृंग से, और एक का जो गर्त है वो दूसरे के गर्त से क्या हो रहा है, मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों तरंगिकाएं हैं वो एक ही कला में कैसी हैं, एक ही कला में हैं, ठीक है। और क्या है, देखिए ऐसा होगा कि जो जिनकी जिनकी जो आवृत्ति है,
या हम कह सकते हैं जिनका जो जिनकी जो तीव्रता है वो जिनकी तीव्रता अधिक है वो क्या करेंगी, बड़ा वृत्त बना रही होंगी, ठीक है, बड़ा चाप बना रही होंगी। और जिनकी जो तीव्रता क्या है कम है, या हम कह सकते हैं जिनकी तीव्रता कम है उसको क्या करते हैं, हम छोटे वृत्त दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तरंगिकाएं हैं एक दूसरे रेखा से उत्पन्न तरंगिकाओं के गत से मिलते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये हमारी तरंगिकाएं क्या उनकी अलग अलग तीव्रताओं की होंगी। कुछ इसमें कुछ जो तरंगिकाएं हैं वो ज्यादा तीव्रता की होंगी, कुछ तरंगिकाएं क्या होंगी कम तीव्रता की होंगी। अगर अगर हम अगर अपने पर्दे पर देखें तो हमें कैसा पैटर्न मिल रहा होगा, हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न मिल रहा होगा, देखिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि क्या है, देखिए हमारी जो तरंगिकाएं उनकी क्या है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या है कम है, कुछ जो बिंदु पर क्या तीव्रता अधिक है। तो इस प्रकार क्या होगा, हमें जो है कुछ पट्टियां दिखाई दे रही होंगी, और कुछ उसमें क्या होगा, कुछ दीप्त फ्रिंजे होंगी और कुछ अदीप्त फ्रिंजे होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश का यही हमारा जो गुण होता है प्रकाश को क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यही हमारे जो है ये किस प्रकार की पट्टियां हमें मिल रहे हैं, फ्रिंजे मिल रही हैं, ये हमें फ्रिंजों के रूप में जो है हमें जो है तरंगाग्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, कुछ कुछ हमारे अदीप्त फ्रिंजे होंगे, कुछ दीप्त फ्रिंजे होंगे, और हम देख सकते हैं कि वो कैसी होंगी, एक के बाद एक होंगी, ठीक है, कैसे होंगी, एक के बाद मतलब एकांतर क्रम में होंगी, ठीक। तो यही है हमारा यंग का, यंग ड्रिस्लिट का प्रयोग का चित्र, ठीक है। कौन सा चित्र है, यही है हमारा यंग के ड्रिस्लिट का प्रयोग का चित्र। अब हम आते हैं कि प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो मान रहे हैं कि S हमारा क्या है, एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश से दीप्त है, ठीक है। और S1 और S2 क्या है, दो समीप में दो रेखा छिद्र हैं। S1 और S2 दोनों की दूरी है वो S1 से S से क्या है, बराबर है, ठीक है। और S से जो चलने वाली प्रकाश तरंगे हैं S1 और S2 पर क्या करती है, समान कलम पहुंचती है। जो प्रकाश तरंगे यहाँ पे आएंगी वो क्या करेंगे, S1 और S2 पे समान कला में पहुंच रही होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम कहते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो ये तरंग जो ये रेखा छिद्र होंगे, जैसे ही यहाँ पे प्रकाश तरंगे आएंगी क्या करेंगी, वो एक नए तरंग का स्रोत का कार्य करने लगेंगी, ठीक है। चूंकि इनके बीच जो कलांतर है वो क्या है, नियत है, तो हम कह सकते हैं कि जो S1 और S2 है वो क्या है, कला संबद्ध है, ठीक है। और S1 और S2 से चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, वो दूर स्थित पर्दे पर कहीं, जो हमारा पर्दा है वहां पर कहीं फ्रिंजे बना रही होंगी, ठीक है, कहीं फ्रिंजे बना रही होंगी। तो प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है, प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई और फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पथांतर होगा, पथांतर किसका किसके, जैसे ही हम S1 और S2 पे जैसे जो तरंगिकाएं चल रही होंगी तो एक S1 A है और एक S2 A है। तो देखो जो S1 A की जो भी जो हमारी S1 A जब चलेगी तो उसमें उसका यहाँ पहुँचने में, ठीक है, और S2 A का पहुँचने में क्या होगा, कुछ ना कुछ उनके पथ में अंतर जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा S1 है उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ रही होगी, देखो S1 और S2 की अगर दूरी देखें हम, S1 और S2, S1 S2 का है, इनके बीच जो अंतराल है वो क्या है, S1 S2 के बीच का अंतराल है बराबर d है। और स्लिटों से पर्दे की दूरी क्या है, स्लिटों से पर्दे की दूरी इसको हम मान रहे हैं कैपिटल डी, और वो दूरी कौन सी है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या है, ये है दूरी हमारी कैपिटल डी, ठीक है। जो हमारी जो दूरी है सीओ है, ये क्या है, पूरी दूरी कैपिटल डी है। तो मान रहे हैं कि पर्दे पर स्थित कहीं कोई बिंदु पी है, चित्र में आते हैं, पर्दे पर स्थित कोई बिंदु पी है तो पी पे क्या हो रहा होगा, एक दीप्त फ्रिंज बन रही है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो द्विक रेखा छिद्र है एस वन एस टू, S1 S2 उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लंबार्ध खींचा हुआ है जो विभिन्न दूरियों के लिए है, जैसे S1P और S2P, ठीक है, तो वो दूरियां तय कर रही हैं। तो अगर हम S1P और S2P का जो बीच का जो पथांतर है, अगर हम S1P व S2P के बीच का पथांतर देखें भाई, क्योंकि दोनों को अलग अलग समय लग रहा हो, कुछ अलग अलग समय लग रहा होगा, तो बीच जो पथांतर है, बीच पथांतर कितना आएगा, वो आएगा कुछ, हम मान ले रहे हैं
S1P और S2P के बीच का पथांतर उसको मान ले रहे हैं S2A। क्या मान ले रहे हैं? S2A, ये पथांतर मान ले रहे हैं। ठीक है भाई, देखो अगर यहाँ पर ही अगर हमारी S2 भी होती तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन S1 हमारी कुछ पहले है और S2 थोड़ी सी दूर है, तो हम कह सकते हैं कि S1 पहले पहुंच जाएगी और S2 को थोड़ा सा समय लगेगा। तो जो ये अंतर है तो यही हमारा क्या होगा, पथांतर होगा। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि पथांतर, और पथांतर S2A का मान निकलेगा XD बटे कैपिटल डी, जहां पर स्मॉल डी क्या है, S1 और S2 के बीच का अंतराल है, और कैपिटल डी क्या है, जो पर्दे की दूरी है। ठीक है, तो जो हमारा पथांतर होगा वो दोनों के बीच में S2A बराबर क्या आ जाएगा, S2A बराबर आ जाएगा XD बटे कैपिटल डी। अब बात हो रही है यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए बात हो रही है। तो और किसके लिए हो रही है, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए बात हो रही है। किसके लिए हो रही है, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए बात हो रही है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, क्योंकि देखिए अलग अलग कुछ इसमें दीप्त फ्रिंजे भी होंगी, अभी उन्होंने चित्र में समझा था, कुछ दीप्त फ्रिंजे भी होंगी और कुछ अदीप्त फ्रिंजे भी होंगी। तो पहले दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां देखते हैं। तो जो दीप्त फ्रिंजों की जो स्थितियां होंगी वो कहाँ पर होंगी, देखो जहां पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होगी उन स्थानों पर क्या होगा, हमारी दीप्त फ्रिंजे बन रही होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहां पर व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच का जो पथांतर होगा, जहां पर 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा, वहां पर क्या होगा, हमारा जो अधिकतम तीव्रता वाली दीप्त फ्रिंजे होंगी। ठीक है, जो हम कह सकते हैं वहां पर जो तीव्रता है तरंग की वो अधिकतम होगी, और इसको हम मान लेते हैं। अब ये क्या हो जाए, XD बटे कैपिटल डी बराबर क्या हो जाएगा, एम लैम्डा, जहां पर एम का मान क्या है, 0, 1, 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया किसके लिए, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अगर हम एक्स की बात करें तो हमारी एक्स ही स्थिति है वो, तो अगर हम एक्स को अगर हम मान रखें तो क्या हो, एक्स बराबर क्या निकाले तो क्या निकलेगा, एक्स बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगी, दीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति मिल जाएगी। अब हम देखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति। तो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां अगर हम देखें, अदीप्त फ्रिंजों की जो स्थितियां हैं वो कहाँ पर आ जाएगी, जहां पर पथांतर कितना होगा, जहां पर पथांतर होगा लैम्डा बटे दो 3 लैम्डा बटे 2 5 लैम्डा बटे 2, वहां पर क्या होगा, अदीप्त फ्रिंजे में बन रही होंगी। और हम मान सकते हैं कि अब हमारा जो पथांतर होगा XD बटे कैपिटल डी का जो मान होगा वो क्या होगा, m-1/2 लैम्डा। ठीक है, और देखो जो हम फ्रिंजे कैसे मिले, एकांतर क्रम मिले, पहले दीप्त फ्रिंज फिर अदीप्त। तो जो दीप फ्रिंजों को तुम देख चुके, अदीप फ्रिंजों के लिए क्या होगा, जहां पर पथांतर का मान क्या होगा, लैम्डा बटे 2 3 लैम्डा बटे 2 5 लैम्डा बटे 2। ठीक है, तो अगर हम अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति की बात करें, एक्स की बात करें, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा m-1/2 d λ/d। ठीक है, ये हो जाएगा अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो अभी तुमने देखा स्थितियां देखी अभी हमने। ठीक है, अब हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, अभी हम लोगों ने पूछा गया है फ्रिंज की चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, अभी तक हमने केवल स्थितियां निकाली। अब देखो जो ये चौड़ाई हमसे पूछी गई, जो ये चौड़ाई होगी ये कितनी आएगी। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या पूछा गया है, दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। तो चलिए देखते हैं फ्रिंज चौड़ाई, अब देख लेते हैं फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई अगर देखते हैं तो मान लेते हैं कि माना MV तथा m+1V दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरी क्या है, दूरी क्रमशः कितनी है, XM तथा XM+1 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, XM का मान कितना हो जाएगा, X का मान कितना था, MD d लैम्डा बटे d। तो यहाँ से XM बराबर क्या आ जाएगा, m d
डी लैम्डा बटे डी, और अगर हम एक्स एम प्लस वन की बात करें तो आ जाएगा एम प्लस वन डी लैम्डा बटे डी। और अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो लिख सकते हैं एम वी तथा एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंजों की दूरी, दीप्त फ्रिंजों की के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी आएगी। अगर इन दोनों को घटा दें तो आ जाएगी एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम बराबर हो जाएगा एम प्लस वन डी लैम्डा बटे डी माइनस के एम डी लैम्डा बटे डी। और अगर इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी लैम्डा बटे डी स्मॉल डी, ठीक है। और अब देखो जो ये दूरी है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, डब्लू से। तो डब्लू है जो हमारा वो क्या है, डब्लू हमारा क्या है, डब्लू है हमारा फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो हम लिख सकते हैं डब्लू बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, और दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई जो ये दो दूरी होगी, अगर हम अदीप्त की बात करें और हम दीप्त की बात करें तो जो दूरी की जो चौड़ाई होगी होगी वो कितनी होगी, डी लैम्डा बटे डी, और क्या होगी इसकी भी दो दूरी होगी वो क्या होगी, डी लैम्डा बटे डी, ठीक है। तो हमने देखा किसके लिए, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए भी हमने व्यंजक देखा। तो ये हो गया हमारा डी लैम्डा बटे डी, हमारे क्या निकला है, फ्रिंजों की चौड़ाई निकला है, ठीक है। कह सकते हैं फ्रिंजों के बीच की दूरी हम कह सकते हैं, इसे फ्रिंज चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं, हमने पहले प्रकाश तरंगों के प्रतिकरण की परिभाषा देखी, फिर हमने यंग ड्रीसलिट का प्रयोग का चित्र देखा, फिर हमने फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त किया, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है, ठीक। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।